फिरहुआ ने लगाई रितेश और खेसारी की जमकर क्लास। जी हाँ, निरहुआ ने तो वो कहा जिसे इन दोनों के बीच चल रहा विवाद एक पल में सुलझ गया। अरे भाई, रितेश जी और खेसारी जी, ये दोनों लड़ किस बात के लिए रहे हैं? अब आपको हम बताते हैं। आज दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जिस गाने के लिए रितेश और खेसारी लड़ रहे हैं उसे ऑलरेडी उनके बड़े भाई विजय लाल यादव ने गाया, और फिर उसके बाद विशाल दुबे ने गाया, फिर उसके बाद रितेश पांडे ने, और अब खेसारी लाल यादव ने। एक ही गाने को चार लोगों ने गाया, सबकी आवाज़ का अपना मज़ा होता है। और अगर ये गाने दोनों एक साथ रिलीज़ हुए हैं, अलग अलग गायकों की आवाज़ में रिलीज़ हुए हैं, तो ऑडियंस को मजा लेने दीजिए। यानी कि यहाँ पर खेसारी और रितेश के बारे में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये कहा है कि ये जो गाना है ये ऑलरेडी पहले ही किसी और का है, इस पे झगड़ना कि ये मेरा गाना है, मैंने पहले गाया तुमने बाद में गाया, ये सारी चीज़ें फालतू हैं। और रही बात, ऑलरेडी अगर किसी कंपनी ने आपसे कोई गाना गवा लिया है, यहाँ निरहुआ रितेश पांडे के लिए कह रहे थे कि अगर आपसे कोई कंपनी ने गाना गवा लिया है और फिर उसे लगा कि आपकी आवाज़ में नहीं ये किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में बेहतर लगेगा और फिर उससे गवाए, तो इसमें गलत ही क्या है। फिर उसने अपना गाना अगर खेसारी की आवाज़ में रिलीज़ किया तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, वो कंपनी के ऊपर है। फिर इसमें आप लोग सभी क्यों लड़ रहे हैं? जो हो चुका उसे होने दीजिए, सारी चीज़ें भूलकर आप आगे के बारे में सोचिए। यानी कि हर एक जो विवाद है उसका कितना सही तोड़ दिया है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी और रितेश के लिए। तो भाई, ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ के व्यूज़। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।